ठाकर है और मैं आरोही एम्बेडेड सिस्टम्स में डायरेक्टर हूं। एट आरोही वी प्रोवाइड इनोवेटिव एंड एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस व्हिच हेल्प पीपल एंड बिजनेसेस रेज द बार। पिछले वीडियो में हमने 5 ओवर हीटिंग होने के रीजंस देखे, आज हम आगे और कुछ रीजंस देखेंगे। एक्सटर्नल कूलिंग वाटर फ्लो। सबमर्सिबल पंप सेट के बारे में अगर बात करो तो उसमें जैसे अगर मोटर के सराउंडिंग जो वाटर जा रहा है उसका फ्लो रेट अगर कम है या ज्यादा है तो ओवरहीटिंग हो सकता है। कम होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर पंप का स्पीड कम हो, अगर सक्शन या डिलीवरी में कोई ब्लॉकेज हो, अगर इम्पेलर या कोई भी पंप का पार्ट्स अगर लूज कनेक्शन हो, अगर मोटर और जो बोर की वॉल है उसके बीच में अंतर है वो अगर बहुत ज़्यादा है, ये सब केसेस में फ्लो रेट कम हो सकता है और हीट ट्रांसफर नहीं होने की वजह से ओवर हीटिंग होता है। अगर ज़्यादा है, अगर फ्लो रेट बाहर का ज़्यादा है तो जब फ्लो रेट बाहर का बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और मोटर के ऊपर मिनरल्स डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक पूरा लेयर जनरेट हो जाता है विच एक्ट्स एज ए थर्मल इंसुलेटर और वो अंदर की हीट को बाहर डेसिपेट होने नहीं देती। ओवर हीटिंग होने का ये एक कारण हो सकता है। और इन कई बार ये भी देखा गया हुआ है कि अगर वाटर का क्वालिटी खराब है तो मोटर की सरफेस के ऊपर आयरन बैक्टेरिया डिपॉजिट हो जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में विद इन 3 to 4 months 10 mm जितना थिकनेस का लेयर कर देते और हीट को डेसिपेट नहीं होने देता है, थर्मल इंसुलेशन कर देता है और उसकी वजह से मोटर और जो वॉल थिकनेस है बोर का उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होता है। सिंगल फेसिंग। अगर 3-phase मोटर में 2 वोल्टेज ही आ रहा है, एक नहीं आ अगर नहीं आ रहा है तो उसको सिंगल फेसिंग बोलते हैं। जब मोटर को जब रनिंग मोटर में अगर सिंगल फेसिंग हो जाता है तो मोटर लो स्पीड पे घूमता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। अगर बंद है तो मोटर चालू ही नहीं होता है, एक्सट्रीम करंट हो जाता है और जिसकी वजह से ओवरहीटिंग होता है। अगर मोटर डेल्टा में कनेक्टेड है तो जो फेज के बीच में वोल्टेज आ रहा है वो फेज के बीच में से ज़्यादा करंट पास होगा और मोटर वो फेज में ओवरहीटिंग होगा और जल जाएगा। और अगर स्टार कनेक्टेड है तो 2 phase के बीच में वोल्टेज मिलेगा और वो 2 phase के बीच में ज़्यादा करंट पास होगा, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग होगा और मोटर फेल्यूर होने के चांस है। फेज रिवर्सल। कई बार 3-phase इंडक्शन मोटर में अगर ऊपर से फेज रिवर्स हो गया तो उसकी वजह से मशीन पूरा ओवरलोड हो जाएगा या अगर जाम हो गया तो एक्सेसिव करंट बढ़ेगा, ओवरहीटिंग हो जाएगा। और सबमर्सिबल पंप में के पंप के केस में अगर फेज रिवर्सल हुआ तो पंप सेट इनएफिशिएंट कंडीशन में ऑपरेट होगा और फ्लो रेट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग हो जाएगा। आज हमने ये 3 points के बारे में डिस्कस किया, कल और पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को जो लोग मोटर यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ जुड़े हो या रिपेयरिंग सेंटर्स के साथ जुड़े हुए, सबको शेयर कीजिए। हम सबका नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।